प्यारी देश तनि देखे द हमके, जात आवत में देरी न होई, कि सिरे अपन रौरे चरनिया में बाबा हो झुकले हो बानी ना, तो देरी काहे अतना बाबा हो लगले हो बानी ना। अब वाल्मीकि रामायण में जितना अश्लील भाषा रहे, जितना अश्लील शब्द रहे, ओकरा के सलील कइनी, तो तुलसीदास जी महाराज कहा गइनी, वाल्मीकि जी महाराज ने की कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। अक्सर आप भारत लाइव पे राजनीति की खबरें देखते होंगे, सामाजिक खबरें देखते होंगे, और भी कई चीज़ों से जुड़े हुए, खास करके उन चीज़ों से आप जुड़ी हुई खबरें भारत लाइव पे ज़रूर देखते हैं जिनसे आपका सीधा सरोकार है। हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन से जुड़े हर चीज़ों को, हर पहलुओं को आप तक पहुँचाएँ। आज हम उसी एक पहलू में आपसे जोड़ना चाहते हैं, और आपके एक पहलू जो सुबह उठते हैं, रात में जब सोने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आराध्य को याद जरूर करते हैं। हमारे बगल में एक युवा बैठे हैं, इनका नाम है बिमलेश सिंह रुद्रा। अब इस बिमलेश सिंह रुद्रा को हमने क्यों बैठाया है, ये भी आपको बताएंगे। हालांकि पहले भी इनको हमारे चैनल पर देख चुके हैं, आपका जो ये भारत लाइव है उस चैनल पे हमने पहले भी इनसे परिचय कराया है, और इनकी एक अलग शैली है। भोजपुरी में ये लोगों को खुश करते हैं, अपने आराध्य को खुश करते हैं, और अपनी जो परंपरा है, अपनी जो विधा है, उसे जीवित रखते हैं। नारदी शैली में ये अपना कार्यक्रम देते हैं, और भोजपुरी में अश्लीलता के विरुद्ध एक मुहिम के हिस्सा भी है, इसीलिए आज यहाँ भारत लाइव पे बैठे भी हुए हैं। चूँकि भोजपुरी के लिए रुआ लोग जानते नहीं हमारा बारे में कि हम भोजपुरी के हियरा से जोड़ के रख ले बनी, ये हमार आपन माई भाषा हो, ऐसे सब तो अपना जगह पर बा, लेकिन यह भाषा के रुआ देख लो कब कि हम कार्यक्रम भी करी ले खूटा ठोक के। एक पहले रुआ याद हुई कि आठवीं अनुसूची में शामिल करे खातिर 800 दिन के हम प्रण ले रहे हैं कि हम भोजपुरी में बोलब, भोजपुरी में कार्यक्रम करब, सब कुछ शुरुआत लोग के पता ही बात, सब कुछ बात जो भारत लाइव लगातार देख रहा बा। आज इनका के बुलावे के कारण यह रहा कि काल भिखारी ठाकुर जी के जयंती रहे, प्रयास तो रहे कि जयंती के दिन इनका के बुलाएं, लेकिन इनका व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेला, चूँकि अब तक 2000 से ज़्यादा ही स्टेज कार्यक्रम दे चुकल बड़े, और भोजपुरी का अश्लीलता के विरुद्ध अपना मुहिम के हिस्सा बड़े, बहुत बड़ा टीम बा इनका लगे जौन नारदी शैली के प्रदर्शन करेला। कभी रुआ सुनब तो बड़ा आनंद मिली, एक हाली हल्का सा झलक भारत लाइव पे हमने के पहले रुआ लोग के देखौले रही जा, आज से 2 साल पहले लगभग, और ओकरा बाद 2000 से ज़्यादा ही स्टेज कार्यक्रम कर चुकल बड़े। एगो गाना इनका बड़ी फेमस होता, वो गाना अब तक ले कहीं बाहर नहीं खे आई, पहला हाली रुआ एजे सुनब, और बहुत ही कर्णप्रिय और अपना धर्म आस्था और संस्कार से जुड़ल बा। तो इनका से पहले तो इनका के बहुत बहुत स्वागत कर, बहुत बहुत स्वागत बा बिमलेश जी, आप दूसरी बार हमारे स्टूडियो में आए हैं, इस बीच में आपने बहुत बड़ी प्रसिद्धि और उपलब्धि हासिल की, कई कार्यक्रम आपने किए, आज की शुरुआत आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम सब श्रोता के, भोजपुरी बोले वाला के, भोजपुरी समझे वाला के, और भोजपुरी सुने वाला के गोर छू के गोर लगतनी प्रणाम करतनी। हम बिमलेश सिंह रुद्रा आज भारत लाइव में न्यूज बिहार के बीच आप सबके बीच बैठल बनी, जे भी हमरा के देखता, जे भी हमरा के सुनता, आप सबके हम दुलरुआ बनी। श्रोता के मतलब ई होला, श्रोता के मतलब सूप होके के चाहिए। सूप के काम ही होला कि जैसे सूप अपना अंदर अच्छा चीज रख के, अब बेकार चीज जोन होला वो बाहर फेंक देवे, उस श्रोता के होके के चाहिए। आ श्रोता ही बड़े जोन की एगो कलाकार के भगवान भी होले, तो आप सब के भगवान रूपी श्रोता के हम नतमस्तक प्रणाम करतनी, आशीर्वाद के चाहना रखतनी। भोजपुरी में हम अभी 4 दिन पहले गो गाना गौले बनी भजन, और गाना के
मुखड़ा बाकी हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। तनी ओकरा के गुनगुना दे दू लाइन गाना के बोल बा कि अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। इस गाना के मुखड़ा बा अंतरा रहे हर के भजन ना कैला घर के ना घाट के भैला, हर के भजन ना कैला घर के ना घाट के भैला, नरतन पाके जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। बड़ा बढ़िया लागल और माँ शारदा के तरफ बड़ा कृपा बा, आवाज़ भी तार बहुत बढ़िया बा। पहले भी तरह के स्टेज पर सुने के हमारा मौका मिलल रहे। तहार शैली कहल जाला कि वो एक अलग शैली बा, नारदी शैली एक कहल जाला। हाँ। जैसा कि बातचीत के दौरान हमारा पता चलल कि नारदी शैली है, नारदी शैली आखिर का है? नारदी शैली गाना बजाना जो हमने के गाई ले जा, प्योर माटी जो भोजपुरी जो होला ना, एकदम प्योर भोजपुरी एकरे के कहल जाला, एकरे से उत्पन्न भइल। जैसे हर क्षेत्र में विभाग बाँटल बा कि बिहार पुलिस, ये मिलिट्री, ए बी एस एफ, वही तरीका से गाना बजाना में भी विभाग बाँटल बा, बिरहा कवाली ऐसा ऐसा। मैंने नारदी शैली के हमरा जैसा समझ में आ रहा बा जो अंतर से बातचीत भइल, वो नारदी शैली के मतलब होला कि जैसे नारद जी संदेश अपन लेके अलग अलग लोग तक पहुँचावत रहन, वैसे ही। हाँ हाँ, तो हमियों के वो तरीका से इस संदेश हर जगह पहुँचावल चाहता नहीं जा। रामायण महाभारत शिव पुराण विष्णु पुराण इस सबसे कथा उठा के प्रसंग उठा के लोग के बीच रखे के कोशिश करेला। कैसे पहुँचावल लोग एकरा के? हमनी के गाई ले जा समाज में जा करके गाई, तनी 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 भारत लाइव के दर्शक के बताओ कैसे तनी गावे लोग। जैसे हमनी के शुरुआती करी ले जाए एकरा के, सांवरिया सांवरिया, तो शुरू में भगवान कृष्ण भगवान के हमनी के गोराई ले जा। ठीक बात, ठीक बात, एकदम सही। इस सांवरिया जो होला टोन हमनी के बोले के होला, एकरा बाद गणेश जी के वंदना करी ले जा, तो करके देखाबो गणेश जी के वंदना। एगो गणेश जी के वंदना हम गाई ले शुरू में, करे पियर पियर लडुआए बाबा रौरी चरनिया में चढ़ौले हो बानी ना, हो चढ़ौले हो बानी ना, तो देरी काहे अतना बाबा हो लगौले हो बानी ना, हथिया के मुँह बाबा मानुस के तानवा, रिधि सिधि मैया लोग बई ठेला रौरा सांगवा, किसी रे अपन रौरे चरनिया में बाबा हो झुकौले हो बानी ना, तो देरी काहे अतना बाबा हो लगौले हो बानी ना। ए तरीका से सुमरन कर लीजिए, हमने के वंदना कर लीजिए शुरुआती में। शुरुआत जब होला तो ओकरा के माने गणेश वंदना से जैसे सब लोग अपन शुरुआत करला प्रथम पूज्य गणेश के, तो वैसे ही माने तहार शैली बाई नारदी शैली में तनी के ऐसे माने एक तो बड़ा लुभावना लागल, माने रुआ खड़ा हो जाता कभी कभी तहार माने अथी सुन के। शैली बहुत बढ़िया बा, हालांकि हम पहले तरह के सुनले बानी, जब पूरा टीम तहार रहेला तो वही तू अलग रंग में रहेला। और हमरा बुझाला कि भेषभूषा भी तनिक वैसे ही नारद टाइप के भेषभूषा बना के अपन पूरा टुकड़ी तहन लोग रहेला। एकरा बाद जैसे मान लेते कि प्रसंग तही के उठावे ला लोग, तो प्रसंग अपना मने उठावे ला लोग कि प्रसंग के तहन लोग तैयारी पहले से रहेला? प्रसंग के हर चीज के तैयारी हमरा डायरी में लिखल बा। अच्छा अच्छा। जैसे जौना फंक्शन में गईनी, जैसे हम केहू के जन्म उत्सव में गईनी गावे खातिर, तो ओजा होई कि जन्म उत्सव गावे के कैसे जैसे नहीं बताओ तो। जैसे भगवान केहू के जन्म उत्सव में गई बनी, मैं तो खिलौनों गाओ थोक बोलो। हाँ, वो अलग तरह के। तो सोहर गावाला, सोहर गावते हैं, सोहर को सुना तो। अच्छा, सोहर गावाला जैसे हमनी के गाई ले जा सोहर में, भरत जी के जन्म गाई ले जा, राजा जेकरा नाम पर हमनी के देश के आज नाम भारत पड़ल, वहाँ के जन्म भी गाई ले जा, तो ओकरा में सोहर भी गावल जाला। जब राजा भरत जी के जन्म भइल बा, ओ घड़ी गीत गवाइल बा, मतलब ई गवाइल नहीं के, मतलब हमनी के परंपरा के अनुसार गवा। तो हमनी गाइल क्यारे बबुआ हमार माँ हा राजा हुई है राजा, धी राजा हुई है हो,
अखिल भूमंडल राणा धीर होई है बापे ऐसन वीर होई है हो। जन गावे के जन तरीका भइला वृद्धा बुजुर्ग लोग गावेला। अच्छा अच्छा एक यही बात के अगर यही बात के गावे होके थोड़ा सा नया पीढ़ी के लोग आई गाई माने अधेड़ टाइप के अधेड़ टाइप के ना थोड़ा सा नया पीढ़ी का युवा लोग गाई तो वो गावे लालो कि बबुआ हमार महा राजा होई है राजा धी राजा होई है हो ये ललना अखिल भूमंडल रण धीर होई है बापे ऐसन वीर होई है हो। यही बात के बाबा यही बात के हमनी के व्यास लोग गावेला हमनी के अपना शैली में गावनी जा जी कि अरे बबुआ हमार महाराजा हुई है तो राजा भी राजा हुई है ये लालना बाबू वही नारदी शैली है। हाँ ए लालना अखिल भूमंडल रण धीर हुई है बापे ऐसन वीर हुई है हो ए लालना अखिल भूमंडल रण धीर हुई है बापे ऐसन वीर हुई है हो। अब तो मैंने हम तीन के साथ है नहीं कि ऐसन विमलेश की इस शैली के हम एक कार्यक्रम के तहत देखले रही जौना घड़ी तू मैंने एकरा के अलग अलग शैली में गौले रहा एकरा में तू महिला लोग के शैली में भी एकरा के गौले रहा उ कैसे गावल जाला महिला लोग के हम शैली में अभी गाना बने कि वो लोग के एक ही धुन होला। हाँ हाँ एगो बजावे लो ढोल एगो जने ढोल ढोलक जन बाजे ला ढोलक वो एक ही धुन हुई बाबा। अच्छा ओकरे पर कौन गीत गा ले लो वह गा लो बबुआ हमार महा राजा होई है राजा धी राजा होई है हो ये ललना अखिल भूमंडल रण धीर होई है बापे ऐसन वीर होई है हो। ये महिला लोग के शैली है। अरे बाबा तो रोलो देखे कहीं कि अलग अलग शैली में और एकर सबसे बड़का मैंने जौन बात बा कि ये तो अभी रुआ बिना साज बाज के सुन रहा बनी जब ये पूरा टीम के साथ जब पूरा मंडली होला विमलेश के तो वो मंडली के अलग अलग लोग के और इनका पीछे पीछे भी सुर चलेला कोरस 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 चलेला और वो कोरस जब सुनब रुआ ना तो वो और ज़्यादा रुआ के मैंने अंदर से उन्हें रुआ तो खड़ा हो जाला अभी भी रुआ लो सुनो तो कब जरूर रुआ खड़ा थी। अच्छा ये तो मानते नहीं कि रामायण के प्रसंग में सही उठा लो शिवपुराण से भी उठावे लो महाभारत से भी उठावे लो तो जैसे शिवपुराण और महाभारत से जो प्रसंग उठावे लो वो में मैंने कौन तरह का परिवर्तन होला शिवपुराण से शिव जी के विवाह गावे ले जा हमने। अच्छा शिव जी के विवाह में भी कुछ गीत ऐसन बा कि शिव भगवान भोलेनाथ के बारात गईल तो हमने की है विधा गावे जो हमने के गवाला। अच्छा एकर बाद सबसे बढ़िया एकरा में हमनी के एगो गीत गाई ले जा जन टाइम में भगवान भोलेनाथ जब पहुँची ले ससुराल अपना आ विवाह शादी होला एकरा पहले तपस्या करत रही माता पार्वती जी तपस्या करके बन बन के पतई खात रही जहाँ शिवपुराण में जो लिखल बा तो देवता लोग विवाह काटे खातिर कि शंकर भगवान के आदेश रहे कि जा लोग अब एकरा पर वो लोग समझा दें कि बिहार में रुआ रह तनी तो बिहार में दू गो चीज होला एगो पकड़ुआ विवाह होला और एगो अगुवाई वाला विवाह होला। जब अगुआ गांव में जाले तो गांव के रुआ अगर बढ़िया संबंध रुआ नहीं है गांव के लोग के साथ माने समाज में रुआ प्रतिष्ठित नहीं थी समाज के साथ रुआ मिला जुला के नहीं चलो तो कटुआ भी लोग में लागू रहे तो जैसे अगुआ गाँव में पहुँचले कहा जी कहाँ जाता नहीं आ तो फलना कहा जाता नहीं उनका एगो लड़का बड़ुए ए महाराज के करा कि यहाँ जाता नहीं रुआ बस यही जैसे ब्याह कटुआ मैंने इस तरीके के ब्याह कटुआ लोग तो ये परंपरा को आज से नहीं चलत जैसा कि विमलेश बतौले है कि परंपरा मैंने शिव के समय से ही चल रहा होता ब्याह कटुआ वाला। हाँ तो वही ब्याह कटुआ वाला हाँ तो वही विवाह कटुआ वाला में भगवान भोलेनाथ के ही आदेश रहे कि जाई अगर हमार शिकायत करी हुई जा लड़की से फिर भी अगर लड़की राजी हो जाती है तो ये हमारे शादी हुई। अच्छा। एकरा पीछे बहुत बड़ा कहानी बात है ना देर हमने की बता सको तो टीम रही तो हम बताई तो ओकरा में लोग देवता लोग ही अगुआ बा तो जाके पार्वती मैया से कहत लो कि अरे सजना तोहर पागल बाड़लिए राम सजना तोहर पागल बाड़े राम कि हवे पागल राजा पियस
दिन रात गाजर पगली की करम में तोहरा यो दिया लागल राम सजनवा तोहरो पागल बारे राम। हम तो ये तरीका के गीत हमने के शिव पुराण में गावनी जा, मतलब जहां जैसन फंक्शन रही, जहां जौना प्रकार के उत्सव रही, वो तरीके के गावे के पड़ेला। अब ये स्टेज स्टेज शो हम विशेष तौर पर बाबा ई हम सारी श्रोता से कहब, एगो स्टेज शो नया प्रचलन हो गई बा, गाना स्टेज पर भी गावत नहीं और गाना नर्दी से भी गावत नहीं, लेकिन ओकरा के स्टेज बना दिया गई तो होता कि स्टेज शो हो। लेकिन स्टेज शो में होत का बा, हमने के जात नहीं जगावे खाती, जहाँ थोड़ा भक्ति भजन भाव करे के स्टार्ट करत नहीं जा तो लोग के मतलब थी थोड़ा सा उदासीनता टाइप हो जाता है माहौल, और जहाँ थोड़ा सा अश्लील तड़क भड़क अश्लील भाषा के जहाँ प्रयोग करत नहीं जा ये जनता ताली, तो हमनी के मजबूरी बन गई बा अश्लील गा, और सारा कलाकार के अश्लील। हालांकि तू तो एक से बहुत अलग बड़ा विरोध में भी बड़ा, और अश्लीलता के विरोध में भी तू हमेशा खड़ा रह, तार शैली नारदी शैली बा और एक साथ साथ तू भक्ति भाव के में लीन रह। अब स्थिति बा कि जौन कार्यक्रम चल रहा बा, जौन तरीका से चल बा, निश्चित रूप से तरह संघर्ष ज़्यादा करे के पड़ता है, ये बात में कोनो दुराय नहीं है। तो संघर्ष के भी हम देख रहा बनी कि पिछला कम से कम 15 साल से तो हम इस बात के देख रहा बनी कि 15 साल से हम जियालाल ठाकुर से उठा के अगर आओ तनी तो वह हाशिया पर चल गई रहन, और उनका चूँकि शैली उनका रहे बड़ा दूसरा तरह के, और एकरा चलते लास्ट में फिर आवत 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 और समारत समारत एगो वर्ग जौन उत्पन्न भइल जौन भोजपुरी के सलीलता के खिलाफ, अश्लीलता के खिलाफ सलीलता के समर्थन में आई, ओकरा बाद से अच्छा गायक लोग के पूछो के लागल। में बहुत सारा गायक बड़ा, खास करके यह कार्यक्रम के प्रस्तुति हमने कर दें या भिखारी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर, तो हम चाहब कि एगो भिखारी ठाकुर के बिल्कुल बिल्कुल राउर बात के हम जैसे एगो चीज हम और पढ़नी रामायण में अश्लील और सलील के हमरा जहाँ तक बुझाई, पहल के अध्याय में रामायण के पहल के अध्याय में पहल के चौपाई लिखले बनी बाबा तुलसीदास जी कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम पी मंगला नाम चकर तार वंदे वाणी विनायक, चार बार वो के प्रयोग कैनी। हमरा तो उतना बुझाला ना, जितना दिमाग रहे उतना सोचनी कि शायद यह कर अर्थ हुई, चार बार वो के प्रयोग के लिखनी, एकर कारण वाल्मीकि जी। आ वाल्मीकि जी ही हनुमान जी के श्राप से तुलसीदास जी भइनी, आ वाल्मीकि रामायण में जितना अश्लील भाषा रहे, जितना अश्लील शब्द रहे, ओकरा के सलील कइनी, तो तुलसीदास जी महाराज कहा गइनी, वाल्मीकि जी महाराज ने की कहा, तो तुलसीदास जी महाराज अश्लील के सलील कइनी। तो हमरा ई लागता कि आज जितना भी रुआ देखतनी भिखारी ठाकुर जी, गायत्री ठाकुर जी स्वर्गीय, धुरान चचा, काहे ये अश्लील गा के स्टार भई रहे लोग ना, बिल्कुल ना अश्लील गा के केहू ना भई। आज लोग कहते कि अश्लील गाना गवला पर आदमी आगे नीचे बढ़ सकत, तो अश्लील गाना गा के आगे नीचे बढ़ सकत, अश्लील गा के बढ़ जाए ना, ये बात के हम नहीं मानत। तो हम एकरा के शोध करे खाती, आजमावे खाती, हम कुछ ऐसा चीज गावे जा रहा बनी अब कि काहे एकरा के हम मन में हमारा एकदम दृढ़ संकल्प बा कि काहे हम अच्छा चीज गा के आगे नहीं की बढ़ सक। बिल्कुल, भारत लाइव भी एगो मुहिम चला रहा बा, भारत लाइव के दर्शक भी जानता कि अश्लीलता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा जंग हमारे चल रहा बा, और आज से नहीं चल एक लंबा समय से चल रहा बा, एक खातिर बहुत हम कुछ कहनी, आठवीं अनुसूची में शामिल करे खातिर भी बहुत सारा प्रयास हमारे रहे, और प्रयास हमार कभी रुके वाला नहीं है, चाहे ओकरा खातिर समर्थन हमरा मिले या ना मिले, लेकिन हम वो प्रयास में जरूर बनी, चूँकि मातृभाषा हम माई भाषा हमारे, तेरा खातिर हम जरूर प्रयास करब। हम चाहब कि भिखारी ठाकुर जी के खातिर कुछ तू उनका मैंने बखारी में से कुछ ढूंढ डांट के ले आव, ऐसे कि एक से एक मोतियों में पड़ल बा। हाँ हाँ, देखिए भिखारी ठाकुर जी के चलल रास्ता पर आज जे भी कलाकार बा ना, वो पनिखे चल सकत, लेकिन चले के कोशिश करता, हमनियों के चले के कोशिश कर, हमनी के नारदी जौन विधा विधा शैली है, यह एगो ऐसा शैली बा कि जौन की जौना में हर चीज रुआ सुने के मिल जाए जी। हमनी के भिखारी ठाकुर जी के भी गीत गई ले जा, भिखारी ठाकुर जी
ऐसा कैले बानी कि भोजपुरी जगह जिंदा बा शेक्सपियर कहा जाला उनका शेक्सपियर आज भी देखिए कल्पना पटवारी जी वहां के हर चीज के खोज कर रहल बानी हर चीज के खोज बहुत लोग लागल बा लागल बा भिखारी ठाकुर संस्थान भी बा बहुत सारा लोग लागल बा एगो आखर भी बा जोन की बहुत ज्यादा भिखारी ठाकुर का कर रहल बा और ऐसा सर बहुत संस्था बा हम चंदन के भी नाम लेवे से कि चंदन बीवी खास करके सलील गाना गावे खातिर बहुत ज्यादा प्रयास कर रहल बाड़ी और उनका एक लंबा जीवन रहल बा एकरा में ऐसा बहुत लोग के हम जानत नहीं भिखारी ठाकुर जी ही गौले रहे कि अरे जियते मैया माहुर देके काहे न दिहलु मारी दूध पिया के तेल लगा के अकाया के दिहलु जारी ऐसे वहां के कहिए बनी बेटी बेचवा के नाटक में बेटी बेचवा जोन कहानी होला हम तो अभी मैंने पूरा हमारा दिमाग पर निखे और हालांकि हम एक बार देख लीला प्रोग्राम में जाए से पहले तो हमारे याद होला बिहारी ठाकुर जी वो गाना गौले रही कि अरे प्यारी दे सतनी देखे द हमके प्यारी दे सतनी देखे द हमके जात आवत में देरी ना होई जात आवत में देरी ना होई जैसे घोड़ा के रेस दे सतनी देखे द हमके प्यारी देश तनि देखे दो हमके बाहर जाई भी धन कमाई भी बाहर जाई धन कमाई भी जल्दी भेजब संदेश देश तनि देखे दो हमके प्यारी देश तनि देखे दो हमके तो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर खातिन ई हमनी के तरफ से एगो रहल हा उनका खातिन श्रद्धांजलि कह ली चाहे ओकरा के उनका खातिन जोन करेजा में बा सम्मान मान ओकरे प्रकटीकरण रहल हा बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और एकरा साथ साथ एगो शैली तहरा और बाँच गई बा जोन शैली बड़ुए नारदी शैली में तनिक जोन महाभारत के अलग अलग समय के वर्णन जोन कर लो उ शैली कैसे बा महाभारत में द्रौपदी चीरहरण बहुत सारा ऐसा कथा बा कोई ऐसा प्रसंग बताओ जो उनकी भारत लाइव के दर्शक के एकदम कनेक्ट कर जाए सीधे ठाई से लागे एकदम महाभारत जो हा तो जोश के चीज है जोश में गवाए के पड़ेला ना जन घर अश्वमी घोड़ा छूटे रहे महाभारत के वो घर के एगो गाना रहे हमने के गाई ले जा अभी बड़ी डिबेट गाना हा कि अरे ऐजा के बड़ुए और जुल के जोड़ा हो जहाना वामे घोड़ा उड़ेला ये तरीका से गावे पड़ला जोन की हम बिना टीम के देखी महाभारत के प्रसंग गा सकत अगर हम टीम के साथे हम गाइम तो हम आशा करते नहीं कि अगर वो ठंडा लागत हुई तो अंदर से गर्म ना एक बात तो निश्चित बा कि भारत लाइव के दर्शक भी एक बात के मनी है कि जब तू टान लेता रहो आप प्रसंग जब छेड़ा था तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शरीर के अंदर अपने से हलचल जरूर होता तो एकरा मतलब बा कि हमनी के जोन भोजपुरी में शब्द प्रबंधन बा जो बड़का सबसे बड़ बखार अगर कोनो बा तो भोजपुरी के बखार बा अगर ये बखार बड़ ना रही तो एकरा के देश दुनिया में लोग ओमे से उठा उठा के चुन बीन के ले जाके ना सजाइत दुनिया के कई देश में लगभग 7 देश में भोजपुरी बोला जाला है दुनिया भर में भोजपुरिया तरह भेटा जाई हैं और जब भोजपुरिया भेटी हैं तो भोजपुरी एगो ऐसा भाषा बा जरा में मैं ना होला हम होला और ये हम वाला भाषा रुआ समझ सकते नहीं कि निश्चित से हिंदुस्तान के भाषा हो देश के भाषा हो और बिहार के भाषा बिमलेश से फिर हमने के मिलवे करब जा लेकिन जाते जाते वो गाना जोनी अपने से बनौले गौले और कहले कि हमारा गुरु जी का आशीर्वाद हो हमने के अंतिम हाली इनका से चले से पहले सुन जरूर लीजिए पूरा सुनावे के पड़ी ये हमारे गुरुजी के आशीर्वाद हमारा गुरुजी के आशीर्वाद है वहाँ का अपना मुखार बिंदु से बहुत पहले एकरा के गा चुका रही लेकिन हम एकरा के का कहनी कि एकरा के नया शैली में वहाँ के झाल ढोल पर अपन गौले बनी हम एकरा के ट्रेक बनवनी म्यूजिक बनवा के और एकरा पर गौले बनी वही गाना कि अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला
हर के भजन ना कैला घर के न घाट के भैला नरतन पाके जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गाके जीवन बना ले रे पगला गनिकाया जामिन गीधा सबरी हो गई सीधा बैरी खिया के जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गाके जीवन बना ले रे पगला गान गा के कहले गई तिरी सुन लो बिमले सहजी किरी देखिल या जमा के जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गाके जीवन बना ले रे पगला। वहाँ के जितना भी गाना गोले बनी हमारे गुरु कमलवास कुंवर जी बनी वहाँ के हम गोर लगते नहीं गोर छुके प्रणाम करते नहीं अगर रुआ देखो तो कब तो शायद हम अपने गुरु जी से साल में दो साल पर तीन साल पर मिली ला कभी कभार लेकिन प्यार दुलार वहाँ के उतने दिला और वहाँ के गुरु जी हैं गायत्री ठाकुर जी वहाँ के गीत हम ये सोच ले बनी कि ना अब ये सब अब कुछ बाँचल नहीं थे भोजपुरी के नंगा करे के बहुत जौन शस्त्र होला हमने कलाकार के पास कहा भोजपुरी के नंगा कर देना है एकदम लाट के पूरा जितने भी नया पीढ़ी के कलाकार बने ना नंगा कर देना है लेकिन अब कोई शस्त्र बचा ही नहीं है जिससे को लंगा बिजनेस बहुत दुख के साथ कहे के पड़ा था कि कोनो कोनो ऐसा शब्द बा बोल बा जौन की तू सुन ना सकेला अकेले हाँ। में भी ना सुन सकेला परिवार के साथ सुने के तो बातें अलग बा अभी हाल फिलहाल में कुछ लोग के कोर्ट कहनी है हम एजे से भारत लाइव से जौना में दो तीन गो कलाकार बड़न जिनका नाम भी बताओ हम जरूरी समझता नहीं जैसे तूफानी बड़न एगो उनका प्रियंका सिंह फलाना काका बाड़ी एगो उनका अंतरा सिंह प्रियंका और काका उनका नाम बड़ू एकरा अलावा और भी कई लोग बा अभी हाल फिलहाल में श्री राम यादव के बोले रही वो एगो अश्लील गाना गैले रहन उनका के बोला के या कसम खैले यही मंच पर कि आज के बाद से हम अश्लील गाना ना गाई तो खैर हम भोजपुरिया जहान से अतने आग्रह करब निहोरा बा हमार हमू गोड़ ला के प्रणाम करतनी कि अगर अश्लीलता से हटके केहू सलील के तरफ आवल चाहता अगर कोई गढ़ा गुढ़ी में लेटा के आ गंगा में स्नान करे वाल तो गंगा कभी ओकरा के रोकस ना कि भाई हमरा के यहाँ तू साफ सुथरा मत हो जा गंगा सबके स्वीकार करेली भोजपुरी बहुत बड़ा बा और भोजपुरी के जितना भी लोग धरहर बा जितना लोग पहरुआ बा वो सब लोग से हम आग्रह करब कि अगर कोई अश्लीलता छोड़ के सलीलता के तरफ आवता तो ओकरा के स्वीकार कर जाओ और अश्लीलता के खिलाफ मुहिम के एगो ई भी कारण होला कि जब कोर्ट में कोनो केस जाला तो जज के काम होला कि ओकरा के फैसला सुनावे अगर कोई कह लेवे कि आज के बाद से हम सजा काट लेनी अब हम स्वच्छ हो गई नहीं तो सजा जब जेल से केहू निकल के बाहर आ जाला तो ओकरा के माफ कर दिया समाज के भी माफ कर देवे के चाहिए। तो ई रहले है बिमलेश सिंह रुद्रा और फिर हमने के बिमलेश सिंह से बात कल जाए अगर इनका टीम पूरा रहता तो हम कोशिश करब कि आग्रह भी करब इनका से कि जब इनका मौका मिले इनका पूरा टीम साथ होके तो एक कार्यक्रम खास करके भारत लाइव के दर्शक खातिन श्रोता खातिन एक बढ़िया कार्यक्रम जो उनकी पूरी तरह से भक्तिमय होके और भारत के माटी से भोजपुरिया माटी से उकर सुगंध लेकर के उकर गमक महक पूरे दुनिया में फैला सके वैसा कार्यक्रम एगो देश तो हमनी के वादा करके जाते नहीं जा कि बहुत जल्दी हमनी के फिर मिलब जा तो प्रणाम करते नहीं।